गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको एक और नई रिएक्शन बताने वाला हूँ जो कि ट्वेल्थ क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम में अक्सर आती है कि रिएक्शन, ठीक है, इसका नाम है रीमेन टीमेन रिएक्शन। ठीक है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस रिएक्शन को बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड को बनाने के लिए, ओके, जिसका आयोपिक नेम है 2-hydroxybenzaldehyde, इसका आयोपिक नेम है, ओके? तो चलो समझाता हूं इसको कि ये रिएक्शन होती कैसे, क्या रिएक्टेंट होते हैं इसके और किस तरह से प्रोसीड होती रिएक्शन। तो लेट मी स्टार्ट। फिनॉल इस रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट के तौर पर यूज किया जाता है और उसको ट्रीट कराया जाता है NaOH और क्लोरोफॉर्म के साथ, ओके, CaCl3 इज अ क्लोरोफॉर्म। जब ये फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो एक बड़ा अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट कहलाता है ये। ठीक है, इसका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, तो ये जल्दी से चेंज भी हो जाता है किसी दूसरे का कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, एक और यूनिट NaOH के इसके साथ रिएक्शन करती है और CaCl2 वाले पोर्शन को कन्वर्ट कर देती है CHO के अंदर। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, भाई ये कैसे हो गया? ये तो तभी पॉसिबल है बच्चों समझना, जब मैं इसके मैकेनिज्म को आपको बताऊं, डिटेल में आपको बताऊं कि ये पोर्शन कैसे आया। ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई हमने इसके साथ इसको रिएक्शन कराया तो ये कहां से आ गया, ये कैसे आ गया, ये सारी जानकारियां मैकेनिज्म के अंदर होती है बच्चों। ठीक है, और मैकेनिज्म आपके 12th क्लास में भी है नहीं। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये रखना है, ये ध्यान में रखना है कि जब हम इसको इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये कैसे प्रिपेयर हो रहा है। जस्ट लाइक अ वेजिटेबल, आप मान लीजिए कोई वेजिटेबल आपको कर रहे हो तो हम हर चीज इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और एक यूनिक टेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, ओके, फिर धीरे धीरे जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है तो हमें रीजन पता चलने लगता है कि ये क्यों डाला था, ये क्यों डाला था, ये क्यों डाला है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही बच्चों, फिलहाल पहले आपकी प्राइमरी स्टेज है तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट पे फोकस करना है कि प्रोडक्ट क्या बना रिएक्शन के अंदर और रिएक्टेंट क्या है रीमेन टीमेन रिएक्शन का। ठीक है, तो फिनॉल के साथ हमने NaOH और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराई तो हमारा क्या बना, एक इंटरमीडिएट जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, जल्दी से चेंज हो जाता है और वो एक और NaOH की यूनिट के साथ रिएक्शन करता है और CaCl2 यूनिट कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, CHO के अंदर। ठीक है, फिर इसका फर्दर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है इस कंपाउंड का और ये जो ONA यूनिट है ये कन्वर्ट हो जाता है OH के अंदर। ठीक है, फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने प्रोडक्ट पर, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ओके, इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट होता है, इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कार्बीन। ठीक है, कार्बीन इस रिएक्शन, ये NaOH और क्लोरोफॉर्म मिलकर कार्बीन की फॉर्मेशन करते हैं, बट उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो कार्बीन एक तरह से इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, इसका स्ट्रक्चर ये रहा और आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और CaCl3 क्लोरोफॉर्म को कहा जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये रिएक्शन पूरी तरह से क्लियर हो गई है, आपको डायरेक्ट अच्छे से पढ़ लेना है, छुट्टियां चल रही है आपकी, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करो, बिना देखे अच्छे से लिखो इसको ताकि आप भूलो ही ना कभी। ठीक है बच्चों, 5 नंबर का वादा है मेरा आपसे। ठीक है, तो यकीनन अगर आप जो 20 रिएक्शंस में करा रहा हूं आप उसे कंप्लीट सीख लेते हैं तो आपकी छुट्टियां खराब नहीं जाएंगी। क्लास 12th की, जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हम बना क्या रहे हैं, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमेंजीन को। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए सैंडमेयर रिएक्शन के द्वारा सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला याद रखो, बेंजीन उसके ऊपर NH2 एंड दिस इज नॉन पेयर, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। एनिलीन को सबसे पहले हम ट्रीट कराते हैं किससे, सोडियम नाइट्राइड और HCl से एट 0 to 5 degree Celsius टेम्परेचर और मतलब कूलिंग कंडीशन है यहाँ पर, ये समझ लीजिए एक तरह से। ठीक है, और जब आप इसके साथ इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे बहुत काम आएगा, इसका यूज में बताऊंगा आपको आगे। अब इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जब क्यूप्रस क्लोराइड से ट्रीट कराते हैं तो हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन और क्यूप्रस ब्रोमाइड से ट्रीट कराते हैं तो हमें मिलता है ब्रोमोबेंजीन और N2 गैस एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाती है। ठीक है, NaNO2 का हम बोलते हैं सोडियम नाइट्राइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaNO2 और HCl पहले आपस में रिएक्ट करके NaCl और HNO2 बनाते हैं, HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ठीक है,
ठीक है, सी यू सी एल को हम क्या बोलते हैं, क्यू प्लस क्लोराइड, सी यू बी आर को हम बोलते हैं क्यू प्लस ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।